हेलो दोस्तों, आपका हार्ट स्पोर्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम 8 मई 2020 के लिए करंट अफेयर्स देखेंगे, जो कि अति ही महत्वपूर्ण है। और आपसे मैं लास्ट में एक अभ्यास प्रश्न भी पूछूंगा, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आप जानते हैं कि हमारे वीडियो की खासियत होती है कि 4 से 5 क्वेश्चन आपको वर्ड टू वर्ड ही याद करवा दिया जाता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक किसको बनाया गया है? तो ये किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है तरुण बजाज को। तरुण बजाज को केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक बनाया गया है। बात करें कि यह किसके स्थान पर बने, तो ये अतनु चक्रवर्ती के स्थान पर इनको बनाया गया है। बात करें शक्तिकांत दास की, तो शक्तिकांत दास क्या है, RBI के गवर्नर है, 25वें नंबर के, ठीक ना, 25वें नंबर के RBI के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। राजीव महर्षि कौन है, तो राजीव महर्षि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG CAG। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है, तो ये राजीव महर्षि हैं। तो इसका आंसर कौन है, इसका आंसर है D नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि आयुष कवच कोविड ऐप किसने शुरू किया है, तो ये किसने किया है, तो ये किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको शुरू किया है। बात करें तो इस ऐप को आयुष मंत्रालय ने विकसित किया था, ठीक ना, इस ऐप को आयुष मंत्रालय ने विकसित किया था, लेकिन किसने शुरू किया है, तो ये किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। बात करें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है आदित्यनाथ योगी। और राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, ठीक ना, आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है 7 मई, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। अब बात करें कि याद कैसे होगा दोस्तों, तो देखिए एथलेटिक्स को हम ए से लिख रहे हैं, किससे, ए से, एथलेटिक्स को ए से हम लिख दे रहे हैं, ए से ए लिखा गया। अब फिर इसमें से देखिए मैं क्या मिटका दे रहा हूँ, ये मिटका दे रहा हूँ पूरा, ये कैसा दिख रहा है दोस्तों, 7 जैसा दिख रहा है ना, 7 जैसा। तो विश्व एथलेटिक्स दिवस को मनाया जाता है 7 मई, 7 मई को मनाया जाता है। थोड़ा सा आप दिमाग में बैठा सकते हैं कि याद कैसे होगा। बात करें तो 7 मई को बैसाख पूर्णिमा भी मनाया जाता है, बैसाख दिवस मनाया जाता है। बैसाख दिवस के दिन ही बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये भी याद रखिएगा। बात करें कि 1 मई को क्या मनाया जाता है, 1 मई को मजदूर दिवस या मई दिवस मनाया जाता है। 2 मई को ट्यूना डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि इराक के नए प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, तो ये बनाया गया है मुस्तफ़ा अल कादिमी को इराक का नए प्रधानमंत्री बनाया गया। बात करें कि इराक की राजधानी क्या है, तो इराक की राजधानी है बगदाद, इराक की राजधानी है। और मुद्रा क्या है, तो इराकी दिनार यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट बात करें कि व्लादिमीर पुतिन कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति है, और शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना, चीन के राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग, और व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं। तो इसका आंसर कौन है, अल कदीमी। बात करें कि याद कैसे होगा दोस्तों, तो याद देखिए इराक लास्ट में कह रहा है क, इसमें भी कह रहा है कदमी, ठीक है ना, थोड़ा सा अगर ऑप्शन आपको मिलेगा तब पकड़ लेंगे। तो इराक के नए प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, इराक में को आ रहा है क से कदमी, ठीक है ना, इराक कदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती के उपलक्ष्य में वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो ये किया गया है 159 यानी 159वीं जयंती थी रविन्द्रनाथ टैगोर की, इसी के उपलक्ष्य में वर्चुअल यानी आभासी कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरू किया गया है। बात करें कि रविन्द्रनाथ टैगोर कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि इनकी एक उपन्यास थी गीतांजलि के लिए इनको क्या मिला था, गीतांजलि के लिए इनको 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। आप बात करें तो इन्होंने भारत और बांग्लादेश दोनों के राष्ट्रीय गीत को गाया है, ठीक ना,
लिखा भी है और गाया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसको किसने लिखा है। तो आप देख रहे हैं कि विजयंत एट कारगिल, तो ये लिखा है विजयंत एट कारगिल इन्हीं के बारे में लिखा गया है। आ किसने लिखा है, तो इसको लिखा है कर्नल बी एन थापर और नेहा द्विवेदी। बात करने की कर्नल बी एन थापर कौन है, तो ये इनके पिता है और ये इनकी बेटी है, ठीक ना। तो इनको कैप्टन विजयंत थापर की जीवनी के बारे में किसने लिखा है, तो लिखा है बी और सी यानी दोनों ने। बात करें तो कैप्टन विजयंत थापर को वीर चक्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक ना, वीर चक्र पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि फिर से लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था, फिर से किसको बनाया गया है, तो ये बनाया गया है अधीर रंजन चौधरी को फिर से लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। बात करें कि ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष है। एनके सिंह कौन है, तो ये वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो एनके सिंह है। और बात करें कि सुनील अरोड़ा कौन है, तो सुनील अरोड़ा है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो सुनील अरोड़ा। तो ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष, एनके सिंह 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष और सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त है। तो इसका आंसर कौन होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि हाल ही में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक किसको बनाया गया है, श्रम ब्यूरो के, तो ये किसको बनाया गया है, तो ये बनाया गया है डी पी एस नेगी को श्रम ब्यूरो का महानिदेशक बनाया गया है। बात करें कि शिखा शर्मा कौन है, तो शिखा शर्मा हाल ही में गूगल पे की सहायक सलाहकार बनी है, गूगल पे की सलाहकार इनको बनाया गया है, ठीक ना, शिखा शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें कि शरद अरविंद बोबडे कौन है, तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश है। कौन से नंबर के हैं, तो 47 नंबर के हैं। राजीव महर्षि कौन है, तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है, राजीव महर्षि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान किसने लॉन्च किया है, तो ये किसने लॉन्च किया है, ये किया है नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया है। बात करें कि याद कैसे होगा दोस्तों, तो देखिए नौ से नाना नौ से नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया है। आप ज़्यादा समय तक इसको दिमाग में इस तरह बैठा सकते हैं। बात करें कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं। अब बात करें कि नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो ये है अमिताभ कांत मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बात करें कृषि मंत्री, देख लीजिएगा दोस्तों कि कृषि मंत्री कौन है, तो नरेंद्र सिंह रेनमिस बरसात। बरसात के लिए कृषि की जरूरत पड़ती है, तो इस तरह दिमाग बैठा सकते हैं। मैंने इसकी लिस्ट बनाई है कि वर्तमान में कौन क्या है, इसको आप याद कर सकते हैं, देख सकते हैं, कभी भी आप नहीं भूलेंगे, मैंने ठीक से इसको बता रखा है। तो कृषि मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह है। तो मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल है। परिवहन मंत्री कौन है, नितिन गडकरी है। इसका आंसर कौन है, इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रवासी परिवारों के सदस्यों को शिक्षित करने के लिए निकाह कार्यक्रम किसने शुरू किया है, तो ये किसने किया है, तो ये किया है हिमाचल प्रदेश ने इसको शुरू किया है। बात करें कि याद कैसे होगा दोस्तों, तो ये देखिए हिम मिस क्या होता है, हिमाचल में एक वर्ड है शुरू में हिम मिस बर्फ, तो बर्फ मतलब पहाड़ समझ लिए, बर्फ मिस पहाड़। तो कोई भी अगर पहाड़ को देखता है शुरू में, तो उसको निगाह से देखता है, निगाह मतलब है आँख बैठा कर देखता है, लगता है कि कभी देखा ही नहीं है पहाड़, ठीक ना, तो निगाह से देखता है पहली बार पहाड़ को, यानी हिम मिस बर्फ को। तो हिमाचल प्रदेश
ने ये लॉन्च कार्यक्रम शुरू किया है निकाह कार्यक्रम, तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। बात करें कि हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है, तो हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर है, जयराम ठाकुर। और राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय है, दत्तात्रेय है। बात करें कि इस कार्यक्रम के दौरान देश के अन्य हिस्सों से राज्यों में आने वाले लोगों के परिवारों को सदस्यों को शिक्षित किया जाएगा, ठीक ना, इस कार्यक्रम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि कोविड 19 टेस्ट बॉक्स को किसने लॉन्च किया है, तो ये किसने किया, तो ये किया IIT के पूर्व छात्रों ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही था, लेकिन पिछले प्रश्न का जवाब देखते हैं। तो पिछला प्रश्न था कि ऑक्सफोर्ड कोविड 19 गवर्नमेंट रिस्पांस ट्रैकर ने किसे कोविड 19 से लड़ने के लिए दुनिया का सबसे बेहतर देश बताया था, इसका आंसर है इंडिया, इंडिया को सबसे बेहतर देश बताया गया है। बात करें कि इसका आंसर किसने दिया था, इसका आंसर दिया था रामचंद्र ने इसका आंसर सही दिया था। बात करते हैं कि आज का अभ्यास प्रश्न है कि हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। रॉस टेलर, केन विलियम्स, ईशान सोढ़ी, कि इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएँ। धन्यवाद दोस्तों।